हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने मेजरमेंट टू के फर्स्ट लेक्चर में ट्रांसड्यूसर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो ट्रांसड्यूसर को अलग अलग मेथड से क्लासीफाई किया जाता है, तो चलिए ये उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर किसके बेस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर्म यूज्ड, उसमें कौन सा फॉर्म यूज किया जा रहा है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में तीन चार कंपोनेंट आते हैं, जैसे एक कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और एक इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो ये सारे जो आपका क्या हो रहा था, हमारा दो टाइप का मटेरियल हो रहा, मतलब कि दो एलिमेंट हो रहा था कोई भी ट्रांसड्यूसर में। एक क्या था हमारा सेंसिंग एलिमेंट था, जिसको हम लोग डिटेक्टर का नाम भी दे रहे थे। तो वो क्या कर रहा था, तो फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। और वो सेंसिंग एलिमेंट जो हमारा डिटेक्टर है वो किसको ट्रांसफ़र कर दे रहा था, तो प्रोसेसिंग वाले एलिमेंट को, मतलब कि सेकेंड ट्रांसड्यूसर एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर दे रहा था, जो हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा था। और वो वाला एलिमेंट उस वाले जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, उसको फिर से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था, जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन एलिमेंट के नाम से जान रहे थे। तो वो जो ट्रांजैक्शन एलिमेंट था वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे रेजिस्टिव हो सकता है, उस कैपेसिटिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है। तो इसके मेथड पे इसको क्या किया जाता है, तो अलग अलग डिवाइड किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद वोल्टेज एंड करेंट के मेथड पे भी उसको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, वैसा ट्रांसड्यूसर जिसको जनरेट करने के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की, एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम लोग सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसका पीडीएफ आप लोग को, पीडीएफ में इसका पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बहुत सारे हैं, जैसे रेजिस्टिव में बहुत सारे आ जाते हैं, कैपेसिटिव में आ जाते हैं, इंडक्टिव से, इसी तरह से इन सबों का टेबल आप लोग को पीडीएफ में दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास हेक्के सानी एक बुक है, तो आप लोग उसमें पेज नंबर 757 में जा करके ये टेबल देख सकते हैं, ऐसे आप लोग को पीडीएफ में ये मिलेगा। फिर उसके बाद है, हम लोग ट्रांसड्यूसर को दो भाग में डिवाइड, एक के बेसिस पे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बेस पे इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद है एज ए पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बेस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब हम लोग अलग अलग टाइप के ट्रांसड्यूसर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्या, तो इसके बारे में तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सेकंड है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, चलिए ये जानते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में। चलिए ये हम लोग देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसके पहले वाला जो था वो क्या था, आपको पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा, जो फर्स्ट बेसिस पे था। ये सेकेंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर में जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो ट्रांसड्यूसर है आपका, इसमें दो टर्म में आपका कोई नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे थे एग्जांपल में, इसके पहले वाला में क्या कर रहे थे, तो नॉन इलेक्ट्रिकल को आगे डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जो फर्स्ट वाला जो कन्वर्जन करने का काम जो ट्रांसड्यूसर कर रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या है, तो एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जो फर्स्ट वाला ट्रांसड्यूसर जो अपन नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कर रहे थे। और जब वो डिस्प्लेसमेंट फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो जो सेकेंड जो ट्रांसवर्जन का काम कर रहा था जो डिवाइस, उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कह रहे थे।
तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में एक है आपका क्या, तो वुडेन ट्यूब, वुडेन ट्यूब होता है इसके, इसमें भी क्या किया जाता है, तो दो तरह के, मतलब कि कोई सिग्नल को, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह से, मतलब कि दो बार में उसको कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट में, और फिर उसको उस वाले डिस्प्लेसमेंट को फिर से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल में। चलिए ये देखते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर ए वुडन ट्यूब इन विच प्राइमरी डिटेक्टर सेंस द प्रेशर। ये क्या है, वुडन ट्यूब क्या है, तो ये प्रेशर को क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या होगा, ये प्रेशर को सबसे पहले ये क्रिएट करेगा, और उस प्रेशर को क्या किया जाएगा, वुडन ट्यूब के मदद से उसको कन्वर्ट किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो ये क्या करेगा, ये वुडन ट्यूब एक ऐसा मतलब कि डिवाइस है जो क्या करता है, तो प्रेशर को सेंस करने का काम करता है। लाइक ये सेंसर की तरह वर्क कर रहा है, और इसका काम क्या है, तो प्रेशर को सेंस करेगा और सेंस करके उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स फ्री एंड। इसके फ्री एंड पे कुछ होते हैं जिसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी में, तो डिस्प्लेसमेंट के फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, उसके फ्री एंड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके बाद क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड मूव्स द कोर इन ए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर LVDT। और वो जो इस वुडन ट्यूब का जो वुडन ट्यूब का जो आपका क्या है, वुडन ट्यूब का जो फ्री एंड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, तो हमारा LVDT से। इसका शॉर्ट नेम है LVDT, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। और ये जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, ये कैपेबल है किसी भी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये क्या किया जाता है, फर्स्ट वाले टर्म में वुडन ट्यूब के मदद से उस वाले नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो प्रेशर है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सेकेंड वाले ट्रांसड्यूसर के हेल्प से क्या किया जाता है, तो इसको LVDT जो हमारा सेकेंड वाला ट्रांसड्यूसर है, इसके हेल्प से इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है इलेक्ट्रिकल वाले सिग्नल में। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट वाला ये वुडन ट्यूब है जो कि रिएक्ट कर रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह से रिएक्ट कर रहा है। और जब वही इलेक्ट्रिक जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसको जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये लाइक एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह से बिहेव कर रहा है। कौन कर रहा है, तो LVDT वही कर रहा है कि जो इसका LVDT का जो आउटपुट होगा, जो वोल्टेज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो द आउटपुट ऑफ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ कोर। ये किस पे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो कोर के मूवमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना कोर मूवमेंट करेगा सेम टू सेम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका आउटपुट वोल्टेज। और वो जो कोर का मूवमेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट के। सबसे पहले क्या हो रहा था, हमारा ये जो फ्री एंड था, कोर जो था फ्री एंड था, वो क्या कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा था। और वो डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो प्रेशर, आगे प्रेशर जो था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट में। ये जो प्रेशर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो रहा है वोल्टेज में। तो ये जो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट के। और वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि आयरन को मूवमेंट कोर, मूवमेंट ऑफ कोर विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हेयर टू स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे दो स्टेज में ट्रांजेक्शन हो रहा था। फर्स्टली क्या हो रहा था, तो फर्स्टली द प्रेशर इज कन्वर्टेड इन टू डिस्प्लेसमेंट वाई वुडन ट्यूब। वुडन ट्यूब की मदद से क्या हो रहा था, प्रेशर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहे थे। देन अगेन क्या हुआ, देन द डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इन टू एनालोगियस वोल्टेज। वाई द
LVDT। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हेयर वुडन ट्यूब इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ये देखिए, इसीलिए हम लोग वुडन ट्यूब को क्या कर रहे हैं, तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कर रहे हैं, और सेकंड टर्म वाला जो कन्वर्ट कर रहा है उसको LVDT, ये क्या कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ से चार नंबर में आपका क्वेश्चन क्या आएगा, तो चार नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। क्या क्वेश्चन आएगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में, इसके पिछले क्लास में बताया था कि एक आपको कॉपी लेनी है, और कॉपी लेने के हिसाब से जो भी मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में VVI क्वेश्चंस बताए थे सारे टॉपिक से, इसके सारे टॉपिक से, 5 यूनिट के सारे टॉपिक से, तो उसको आपको वहाँ पे नोट करना है, चलते है चलना है। तो जैसे इसके पहले वाले में भी मैं जब इंट्रोडक्शन बता रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपको दिया था कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इन ट्रांसड्यूसर, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, इससे क्वेश्चन चार नंबर में आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, तो यही क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब इसमें आप इसको लिख सकते हैं, इसको एग्जांपल की तरह से आप लोग लिख सकते हैं, फिर आपको ये चार नंबर के लिए सफिशियंट है इतना। और भी अभी आगे हम लोग LVDT का पूरा उसका कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड ये सब जानेंगे, तो उसके बारे में जान जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में पूछता है तो उसमें LVDT को एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये सब जान लीजिएगा। तो आपको जो वो जो कॉपी मैंने खरीदने के लिए कहा था, उसमें नोट करने के लिए कहा था, वो नोट करते हुए चलिए। तो इस तरह से हम हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसका प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए अगर हम इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे लास्ट एग्जाम के दौरान हमको बहुत ही दिक्कत होगा। तो यही प्रॉब्लम है कि लोग कह देते हैं कि सर मेजरमेंट बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, इसका हम लोग शुरू से लेकर के एग्जाम तक ना, मतलब कि जब से हम पढ़ते हैं तब से इसको प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलते हैं, इसी कारण से लास्ट में दिक्कत होता है और हम लोग कह देते हैं कि ये मेजरमेंट हार्ड है। तो चलिए ये देखते हुए चलिएगा। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट इसका जो है क्लासिफिकेशन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, उसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप, ये हो गया आपका क्या, तो पैसिव और एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसके बारे में जाने। हम लोग पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानते हैं, पैसिव एलिमेंट के बारे में जानते हैं, एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ जनरेशन कर सकते हैं, मतलब कि अपना खुद का वो वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। और जबकि पैसिव एलिमेंट में क्या होता है, पैसिव एलिमेंट को वर्क करने के लिए हमको एक्सटर्नली वोल्टेज सप्लाई देना पड़ता है। तो ये इसी से रिलेटेड है, इसको हम लोग इससे, इस कॉन्सेप्ट से हमेशा याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। लेकिन इस वाले ट्रांसड्यूसर के लिए, जो हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर होगा, उस वाले ट्रांसड्यूसर को क्या होगा, एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक आउटपुट पावर, मतलब एक आउटपुट कह रहे हैं, एक पावर सप्लाई, पावर सोर्स का यूज करना पड़ेगा, एक एक्जुलरी पावर सोर्स का यूज करना पड़ेगा उसको अपना वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो उस तरह के जो हमारे ट्रांसड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। और इसमें एक अलग तरह से पावर सप्लाई सोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण से इसको हम लोग एक्सटर्नली पावर ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, एक्सटर्नली पावर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक और नाम क्या हो गया, तो एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसको वर्क परफॉर्म कराने के लिए हमको एक्सटर्नली पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, तो जो हमारे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ये सब क्या है, तो ये सारे टाइप हैं किसके, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब चलिए आइए एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर ये जो ट्रांसड्यूसर होगा ये भी वर्क करेगा किसी एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का।
सिर्फ इसमें क्या होगा, तो इसमें डू नॉट रिक्वायर्ड एक्जुलरी पावर सप्लाई, तो इसमें कोई भी पावर सप्लाई का आवश्यकता नहीं है, एक्सटर्नली पावर सप्लाई का इसको आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे हम लोग देख रहे थे टेलीविजन इंजीनियरिंग में, जो हमारा कैमरा था तो कैमरा में एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल सिलेनियम करके यूज हो रहा था, तो उसको हम लोग कोई भी मतलब कि बाहर से उसको कोई एक्सटर्नली पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रहा था। वो क्या कर रहा था, तो वो लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा था। कैमरा टेलीविजन के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन था, तो उसमें मैंने बताया था। तो इसको देखिए, इसको एक्सटर्नली से कोई भी एक्जुलरी पावर सोर्स का आवश्यकता नहीं पड़ता, तो ये क्या होता है, तो ये सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर के नाम से जाना जाता है। इसको एक्सटर्नली से कोई पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से फिजिकल एलिमेंट को, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मतलब कि चेंज कर सकता है, तो ये देखिए, ये वेलोसिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोर्स, ये सबको ये क्या कर सकता है, ट्रांसड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या फिर किसी और एनर्जी के फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ किसके, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर के हेल्प से। ठीक है, इसके एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टेक्नो जनरेटर, थर्मोकपल, फोटोवोल्टाइक सेल, फिर आपका फिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा हो गया पैसिव और एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो देखिए, चार नंबर से यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद क्या करना है, ये तो ऐसे ही समझ गए, इसका एग्जांपल वगैरह ये सब याद रखिएगा, वो आपको काम देगा। तो ये चार नंबर के लिए इतना काफी है। अब हम लोग जानेंगे इसके अगले टाइप में, इसका अगला टाइप है क्या है, तो वो है आपका अगला टाइप है एनालॉग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर के बारे में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर के बारे में। एनालॉग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर से कहने से ये ही आप लोगों को ये अनुभव हो रहा होगा कि जो उसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, एनालॉग टाइप में होगा, कहने का मतलब कंटिन्यूअस वेव में होगा, और डिजिटल में आउटपुट जो है उसका पल्स फॉर्म में होगा। तो देखिए, एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होगा, तो कोई ऐसा ट्रांसड्यूसर जो क्या करेगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने का काम करेगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, और उसका आउटपुट किस फॉर्म में होगा, तो एनालॉग के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब, जैसे एनालॉग के फॉर्म में कैसे कहते हैं, जैसे ये सिग्नल है, ये क्या कंटिन्यूअसली देखिए, हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, जो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम में रहता है उसको हम लोग कैसा सिग्नल कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो इस वाले एनालॉग ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो एनालॉग टाइप का आउटपुट होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, तो स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, एलवीडीटी का पूरा नाम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, उसके बाद थर्मिस्टर, ठीक है। उसके बाद आइए डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, ये भी काम करेगा नॉन इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट जो होगा वो पल्स के फॉर्म में होगा, कहने का मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में, जैसे कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं 0101 के फॉर्म में लेते हैं, तो इस तरह के आउटपुट इसका, इस वाले ट्रांसड्यूसर का आउटपुट क्या होगा, तो पल्स के फॉर्म में होगा। तो इस तरह के ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या कहेंगे, तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहेंगे। तो यहाँ से भी चार नंबर में क्वेश्चन देखिए, ये जो टाइप है इसमें से किसी का भी आपको पूछ सकता है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में, कि व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, या फिर व्हाट इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, या फिर एक क्वेश्चन और इससे आता है, एक और टाइप है इसका क्या है, तो ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो ट्रांसड्यूसर है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा तो उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर कहेंगे। लेकिन जब इसके जस्ट इनवर्स हो जाएगा, इसके इनवर्स क्या हो सकता है, तो कोई हमको ये भी तो जरूरत पड़ सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो उसको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े। तो वहां पे जब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा, तो वो कहलाता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर। जैसे हम लोग देख रहे थे टेलीविजन में,
जो हमारा पिक्चर ट्यूब था, वो पिक्चर ट्यूब क्या कर रहा था, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे थे, उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको मिल रहा था वो लाइट के फॉर्म में, तो वो किस तरह से वर्क कर रहा था, तो वो इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह से वर्क कर रहा था। सेम टू सेम स्पीकर में भी वही काम, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इनपुट दे रहे थे और वो साउंड सिग्नल क्रिएट कर रहा था। तो वो क्या किस तरह से वर्क कर रहा था, तो वो भी हमारा इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह से वर्क कर रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर कंप्लीट कर लिया। तो इससे जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया इसको आप लोग एक जगह पे कॉपी पे जो मैंने कहा है नोट करने के लिए वहाँ पे नोट करते हुए चलेगा। तो हम लोग साथ साथ एग्जाम से जो क्वेश्चंस आते हैं इस वाले यूनिट से उसको हम लोग पूरा करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए।